पसंदीदा प्रज्ञा और आज हम करने वाले हैं कुछ क्राफ्टिंग। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रिसमस ट्री। तो फिर क्या क्रिसमस ही आ रहा है उसमें, तो सेंटा क्लॉज तो आते ही रहते हैं, तो अभी हम बनाने वाले हैं क्रिसमस ट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ मेरे पास क्या है। तो मेरे पास है ये ग्रीन पेपर, ब्राउन पेपर, पेपर क्राफ्ट वाला, व्हाइट पेज, और क्रिसमस ट्री को मैंने डेकोरेट करने के लिए पहले से ही कटआउट करके रख दिए थे कुछ, सीजर, स्टेपलर, ब्लू एंड ग्लिटर, पिंक कलर का, व्हाइट एंड ऑरेंज। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्रिसमस ट्री का ग्रास बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें लगने वाला है ये ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर को सबसे पहले हम करेंगे फोल्ड। तो फ्रेंड्स मैंने ये पेपर को कटआउट करके लिया है, तो मेरे फोर पार्ट बन चुके हैं। ये देखो मैंने ऐसे कट करके लिए है टू साइड से, और ये एक ही बचा है सिर्फ ऐसे। तो हमें भी इसको इसके तरह ही करना है ऐसे कट करने के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको कट करके दिया है ऐसे इस टाइप से। तो हम ये सारे जो कटआउट्स है इनको भी इसके तरह कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने ऐसे एक कटआउट कर दिया है। तो अभी हम बाकी के भी वैसे ही कर देंगे। देख सकते हो कि ऐसे हम
और ये थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट लग रहा है, वो बाद में हो जाएगा ठीक से। तो अभी मेरे पास ये ब्राउन पेपर जो है, हम इसको फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ट्री की जो हम जड़ बना रहे हैं, तो इसको हम ग्लू स्टिक कर देते हैं, वरना छूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्री के अंदर से लगाने के लिए मैंने ये सर्कल कट किया है। तो ये सर्कल को हमें इसके अंदर ऐसे डालना है। तो फ्रेंड्स, इस स्टिक की मैंने जो ये लिया है साइज, तो अभी हमें इसको कट करना है। सर्कल को मैंने इसके अंदर ऐसे डाल दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो मेरे पास व्हाइट पेजेस है ये वाले, तो हमें इसको एक लेना है ऐसे, और इसको काट के इसका ऐसा एक बॉल बना लेंगे और इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, फिर डाल देंगे। डाल दिया है और इस सर्कल के कॉर्नर पे हम अभी ग्लू लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको ग्लू लगा लिया है। तो अभी हमें इसको इसके अंदर ऐसे डाल के ये करना है। फ्रेंड्स, मैंने इसको कवर कर लिया है। अभी हम इसको थोड़ा साइड से प्रेस करेंगे और आप देख सकते हो ये ऐसे बन के तैयार है। तो इसको हमें थोड़ा प्रेस करना है जिससे कि वो चिपक के। तो फ्रेंड्स, अभी हम ट्री के ऊपर लगाने के लिए स्टार बनाएंगे। लीटर पेपर का मैंने ये स्टार कट किया है और अभी हम इसको तो फ्रेंड्स, अभी हम ये अपने क्रिसमस ट्री को रखने के लिए एक स्टैंड बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये इस स्टिक के साइज का सर्कल कट कर दिया है, तो अभी मैं इसको चिपका देती हूँ। अभी मैं अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करूंगी। तो फ्रेंड्स, देखो मैं कुछ इसको इस तरह से डेकोरेट करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने कर दिया है अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट पूरे तरीके से। तो आप देख सकते हो, फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा क्रिसमस ट्री रेडी हो चुका है पूरी तरीके से, ये देखो। फ्रेंड्स, ऐसा ही सेम टू सेम मैंने क्रिसमस ट्री और एक बना के रखा है, आप ये देख सकते हो। ये वाला मैंने आपको अभी बना के दिखाया और ये वाला मैंने पहले से ही बना के रखा था। तो कैसे लगे आपको मेरे दोनों? अगर मेरे क्रिसमस ट्री अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।